उठा रहे हैं। तो चार पांच शिकायतें पिछले महीने मिली चोरी की, हम लोगों ने अपने को सक्रिय किया। तो ये आवास विकास चौकी इंचार्ज महेश चौधरी के नेतृत्व में कल जिन पे शिकायत चल रही थी, ये रंजीत और एक नाम और भी है, रंजीत और महेश, रंजीत और प्रदीप, ये दोनों पे शिकायत जा रही थी। कल ये पकड़ लिए गए शाम को दोनों, और इनसे 16 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जिनमें 4 गाड़ियाँ तो कस्बा कासगंज की चोरी गई हैं, वो मिली हैं। बाकी 12 अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, और बाकी अभी कम से कम 12-13 गाड़ियाँ और हैं जो इनके दो साथी, एक निर्दोष और एक वीरेंद्र, दोनों भागे हुए हैं, उनसे हम रिकवर करेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता इसलिए भी है कि आजकल आम जनमानस इस बात से आश्वस्त हो गया है कि मेरी गाड़ी चोरी गई तो अब नहीं मिलने वाली है। तो मैं यही एक लाइन का संदेश देना चाहूँगा कि नहीं, आपकी गाड़ी मिलेगी, और ये 16 गाड़ियाँ जब मेरे जनपद में वापस होंगी तो लोगों का विश्वास कायम होगा। इनका जाल कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था? इनका जाल आपका अलीगढ़, आगरा, एटा, सिकंदराव, हाथरस, ये चारों तरफ फैला हुआ है। इनका भी एक चीज़ और भी वर्कआउट करनी पड़ेगी कि इनका नेक्सस RTO ऑफिस में कौन है बंदा जो गाड़ियों के पेपर भी बना देता है, अभी वो भी करना है वर्कआउट। ये बड़ा खुलासा है, इस टीम को मैं 25,000 का इनाम घोषित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला कायम रखेंगे, और अभी कम से कम 2 दर्जन गाड़ियाँ हम और रिकवर करेंगे बाकी लोगों।